This effects ला रहा है unusual hotels in the world. Igloo West Village Resort in Lapland, Finland. अगर आपको किसी ठंडी जगह पे जाके रहना है तो आप ये रिसोर्ट पे जाके रह सकते हैं. इस होटल में इग्लू के शेप में आपको घर दिया जाएगा जो कि चारों तरफ से बर्फ होगा और उस इग्लू के अंदर उस ग्लास की वजह से आपको अंदर गर्मी महसूस होगी. तो हर इग्लू रूम में एक लग्जरी बेड होगा और एक प्राइवेट टॉयलेट भी होगा. इस रिसोर्ट में आप इस होटल में खुले आसमान का भी मजा ले सकते हैं. अगला है फेदरबेड रेल रोड बेड एंड ब्रेकफास्ट रिसोर्ट. ये रिसोर्ट कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है. ये खास उन व्यक्तियों के लिए है जो ट्रेन में सफर करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. ये पूरे कैलिफोर्निया में बहुत ही अलग रेस्टोरेंट है. आप इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करते हुए ट्रेन का मजा ले सकते हैं. इस रेस्टोरेंट में 19 डेकोरेटेड रूम्स है और वो सब ट्रेन पार्किंग एरिया जैसा रुका है जो कि आसपास पूरा पार्क है. उसके हर एक रूम में सारी सुविधाएं उपलब्ध है. बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम और ब्रेकफास्ट का एरिया. पूरी दुनिया में ऐसा ब्रेकफास्ट करने की जगह कहीं और नहीं होगी. अगला है ग्लास आइस होटल. यह होटल क्यूबेक सिटी कनाडा में है. यह होटल सिटी के बाहर 10 मिनट की दूरी पर है. अगर आप इस होटल में जाना चाहेंगे तो आपको ठंडी के मौसम में ही इस होटल में जा पाएंगे क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ये होटल वहाँ पे नहीं होता क्योंकि वो पूरा होटल बर्फ से बना हुआ है जो कि गर्मियों में पिघल जाता है. यह होटल करीब 44 रूम्स है. इस होटल के आसपास भी पूरा बर्फ पड़ा हुआ है और ये आइस क्यूब से सब रूम्स बनाए गए हैं. यह होटल 2001 में शुरुआत हुई थी. उस वक्त से इस होटल के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं होटल का मजा उठाने. अगला है एशर क्लेव. ये होटल स्विट्जरलैंड में है. ये बहुत ही लाजवाब होटल है क्योंकि ये होटल एक माउंटेन के कोने में बना हुआ है और बहुत ही गुप्त और शांत जगह है और उसके आसपास के नजारे भी बहुत ही अच्छे हैं. अगर उस होटल में किसी को जाना है तो उसे केबल कार के मदद से जाना होगा. आप गाड़ियों के साधन से वहां पे नहीं पहुंच सकते पर वहां की खासियत है कि आप वहां पे बहुत शांति पाएंगे. अगला है साला सिल्वरमाइन. ये होटल स्वीडन में है. ये बहुत ही अनोखा होटल है क्योंकि ये बहुत ही पुराने डायमंड्स के माइन के बीच में बनाया गया है. ये पहले का मशहूर माइन है जहाँ पे डायमंड की तलाश की जाती थी. अगर आपको इस होटल में जाना है तो आपको जमीन के अंदर करीब 508 मीटर नीचे एक लिफ्ट से जाना होगा. इस जगह पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं खास करके इस होटल में रहने के लिए. अगला है जिराफ मैनर. ये नैरोबी केन्या में है. ये बहुत ही अनोखा और लाजवाब रेस्टोरेंट है. इस रेस्टोरेंट में आपको जिराफ दिखाई देंगे. इस होटल में करीब 10 लग्जरी स्वीट्स हैं जहां से आपको जिराफ दिखाई देंगे और सबसे अलग बात यह है कि सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो जिराफ विंडो के रास्ते आपके टेबल से आपका नाश्ता खा लेते हैं. अगला है द मैजिक माउंटेन होटल. ये होटल चवाई में है. ये होटल बहुत ही लाजवाब है और ये फेरी टेल के कहानियों के जैसा दिखता है. ये होटल बाहर से देखने पे आपको वुडन के स्ट्रक्चर से बना हुआ दिखाई देगा और उसके ऊपर पानी का झरना दिखाई देगा. इस होटल के विंडोज पे आपको एक बेहतरीन नजारा दिखेगा पूरे जंगल का. अगला है स्काईलॉज. ये होटल पहाड़ों पे बनाया गया है. ये होटल पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनाया गया है जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया का नजारा दिखाई देगा. उस रूम में आपको बेडरूम मिलेगा और उसके ऊपर आपको डिनर करने की जगह. अगर आप इस होटल में जाना चाहेंगे तो आपको एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से नीचे उतर के जाना होगा वायर के जरिए और इस होटल में रहने के लिए आपको बहुत ही पेयर करना होगा. अगला है अटर इन स्वीडन. अगर आपको पूरी दुनिया से दूर होकर कुछ दिनों के लिए रहना है तो ये बहुत ही सही जगह है आपके लिए. ये होटल आपको समुन्दर के बीचों बीच में मिलेगा. ये स्वीडन में है. ये बहुत ही छोटा होटल है. उसमें एक रूम रहेगा और थोड़ा बाहर जगह होगा. उस होटल का सोने की जगह पानी के अंदर होगी जो कि उस होटल के नीचे होगा. उस होटल में आपको जाने के लिए आपको बोट के सहारे लेके जाएंगे और आपको वहाँ पे एक छोटा सा बोट देके आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा.